Hello, 10th standard students. Today I'm going to continue with the 2.23 questions. Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen and who to avoid the most important thing to do, he would never fail anything that he would undertake. And above all, if he always knew what was the most undertake. मतलब इसमें बताया है कि एक बार राजा को आइडिया है कि अगर मुझे मालूम पड़े सही समय क्या है, अगर मुझे सही लोग पता चले और किसको अवॉइड करना अच्छा वो मालूम पड़े, तो मैं कभी भी जो भी काम करूँगा उसमें मैं कभी फेल नहीं होऊंगा. सिंस ही वॉज कन्विंस दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, ही हैड प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम. तो उसको ऐसा लगा कि मैं सही सोच रहा हूँ, तो उसने किंगडम में, राज्य में घोषणा कर दी. ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड टीच हिम what the right time was for every action, who is the most necessary people and how he might know the most important things to do. उसने अनाउंस कर दिया कि मैं उस आदमी को अवार्ड दूंगा जो मुझे बताएगा कि सही क्या सही समय होता है सब काम का, कौन सबसे इंपॉर्टेंट पीपल होता है और मैं सही काम सही समय पर क्या कर सकता हूँ. राइट, दिस थ्री क्वेश्चन का आंसर जो देगा उसको मैं इनाम दूंगा, ऐसा करके राजा ने घोषणा कर दिया. आगे, many learned people came to the court but they all give different answer. बहुत सारे लोग आए लेकिन सबका आंसर अलग अलग था. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up an advanced table of days, month and year and must be live strictly according to it. मतलब सब लोगों का आंसर अलग अलग था. किसी ने बोला कि सही समय का एक्शन, सही काम के लिए सही समय जो जानना है तो उसके लिए अपने को टाइम टेबल बनाना पड़ेगा मंथ ईयर के हिसाब से और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा. अदर्स डिक्लेयर दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब द आइडल पास्ट टाइम बट वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू दैट वॉट मोस्ट एसेंशियल. मतलब दूसरे ने बताया कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी चीज़ का सही समय डिसाइड करना, तो आप खुद समय मतलब बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी अब्जॉर्ब इन आइडल पास टाइम, सही खाली समय में उसको हम लोग बना करके जो भी काम हो रहा है उसको करते रहना चाहिए, वो जरूरी है. येट अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन एंड दैट द किंग शुड इंस्टेड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग. किसी लोगों ने बोला कि सही डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, सही काम के लिए सही समय क्या होता है उसको डिसाइड करना इम्पॉसिबल है. तो राजा ने क्या किया, वाइस लोगों की काउंसिल बुलाई जो उनको हेल्प करेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. मतलब सेकंड पैराग्राफ में क्या है कि इस पैराग्राफ में दिया कि बहुत सारे लोग जो है कोर्ट में आए, सब अलग अलग आंसर्स दिए, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी को सही आंसर मिला नहीं. किसी ने बोला कि अगर सही समय सही टाइम पे सही काम करना है तो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. दूसरों ने आंसर दिया कि कोई भी, ये इम्पॉसिबल है डिसाइड करना कि सही काम सही समय क्या है काम करने के लिए, ये भी इम्पॉसिबल. तो सेकेंड पैराग्राफ ने दे विल नॉट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट. इक्वली varied were the answer to the second question. Some said the people to the king most needed were his counselor, others priest, others doctor, while some others said the warriors were the most necessary. Second question का answer भी proper मिला नहीं. कुछ लोगों ने बोला कि राजा जो है सबसे important, counselor important होता है, priest important होता है, doctor important होता है, warriors important होता है. मतलब second question का भी answer proper नहीं मिला. तो द थर्ड क्वेश्चन अबाउट वॉट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, थर्ड क्वेश्चन का था कि सबसे सही काम क्या है. सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस. कुछ लोग बोलते हैं साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अदर सेड स्किल इन वॉरफेयर, मतलब इनका युद्ध में कला होनी चाहिए. दूसरा बोलता है कि रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. किंग वॉज कन्विंस बाय नन ऑफ देम आंसर एंड गिव द रिवॉर्ड टू नन. मतलब तीसरे क्वेश्चन के आंसर में भी उसको प्रॉपर आंसर नहीं मिला. कुछ लोगों ने बोला वॉरफेयर इंपॉर्टेंट है, किसी ने बोला कि रिलीजियस वॉरशिप इंपॉर्टेंट है, किसी, तो राजा ने किसी को वो गिफ्ट दिया नहीं. ही डिसाइडेड इंस्टेड टू गो टू हर्मिट हु वाज वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम. राजा ने डिसाइड किया कि मुझे हर्मिट संत के पास जाना चाहिए. हर्मिट लिव्ड इन स्मॉल हट इन फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट. हर्मिट एक छोटे से झोपड़े में रहता था. ही स्पोक ओनली टू कॉमन फॉक, वो लोग कॉमन लोगों से बात करता था. सो द किंग पुट एन सिंपल क्लॉथ एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल dismounted his horse and left the bodyguard behind. तो हर्मिट ने क्या, राजा ने क्या क्या सिंपल क्लॉथ डाल के गए और जो उसका गार्ड है उसको पीछे छोड़ दिया. इज दिस क्लियर? देन स्टूडेंट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चन ट्रू है. किंग नेवर फेल्ड इन
failed in any undertaking false. People convinced the king to make a proclamation false. King announced a reward for right answer true. उसके बाद choose correct option लिखना है. Answer the following. Many learned people come to the court, give different answers. Okay. तो and second, the king wanted to know the right time to bring everything. Okay. After that you have to do this word meaning also. फिर complete the tree diagram है. Reward winning question. What was the right time for every action? Who were the most necessary people? How would the king know what was the most important things to do? Summarize the following speaking 4 to 5 lines each to your own. King's problem. King's problem was that he wanted to someone from his kingdom to give him answer to 3 questions. 3 question ka answer usko chahiye the. What was the right time to begin everything? What were the who are the right people to listen? What was the most important thing to do? Attempt made to find a solution. King wanted to answer the 3 questions. In order to find a solution, he had a proclamation made in kingdom. He also announced the great reward to anyone who give him proper answer to the question. Okay. So students, you have to complete this work. You have to write true false. Along with that, you have to write this choose correct answer. Then 2 word meaning, and you have to write this complete the diagrams, and you have to write this 2 questions answer. Along with that, you have to do this paragraph also. इसमें सबसे पहले दिए है मैच द कॉलम टेबल डेज मंथ एंड ईयर्स राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन काउंसिल वाइज पीपल राइट एंड स्किल इन वॉरफेयर आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द दिस वर्ड मीनिंग डिक्लेयर एब्जॉर्ब डिक्लेयर का स्टार्टेड फोर्सफुली एब्जॉर्ब मतलब गिविंग कंप्लीट अटेंशन ड्रॉप मेक प्लान अटेंड टू पे अटेंशन टू काउंसिल काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ एडवाइजर काउंसिलर मतलब एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ एडवाइज एन यू टू राइट दिस डायग्राम डिफरेंट रिस्पॉन्स टू फर्स्ट क्वेश्चन बाय किंग ड्रॉप एन एडवांस टेबल ऑफ डेज वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दिस गोइंग ऑन इम्पॉसिबल वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फिर कंप्लीट द ट्री डायग्राम मोस्ट नेसेसरी पीपल नीडेड फॉर द किंग काउंसिलर प्रीस्ट डॉक्टर एंड वॉरियर्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या साइंस स्किल इन वॉरफेयर रिलीजियस वॉरसिंग एंड स्टूडेंट यू हैव टू राइट द मैच द कॉलम देन वर्ड मीनिंग यू हैव टू राइट दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क थैंक यू हैव अ ग्रेट डे